अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पेज बिल्डर्स के अबाउट, पेज बिल्डर ऐप्स के अबाउट। तो बेसिकली मार्केट के अंदर काफ़ी सारी पेज बिल्डर्स ऐप्स अवेलेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेज बिल्डर्स ऐप क्या होती हैं। तो बेसिकली आप अपना उन ऐप्स को यूज़ करते हुए आप अपना जो पेज है, डिज़ाइन है अपने स्टोर का, किसी भी तरह का आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं विजुअली, जिस तरह का भी चाहें। आपको प्री बिल्ड जो एलिमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो चलें मज़ीद चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। और आज हम काम करने वाले हैं पेज फ्लाई पेज बिल्डर के अबाउट, जो कि मोस्ट पॉपुलर पेज फ्लाई पेज बिल्डर है जो हमें शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ ऐप्स के अंदर आएंगे और पेज फ्लाई हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार क्विकली क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इस तरह से हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, यहाँ से हम जो ऐप्स हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर दूंगा और ये हो चुकी है रिमूव। अब मैं इसको दोबारा से ऐड करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, रिकमेंडेड ऐप शॉपिफाई ऐप स्टोर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा पेज फ्लाई। तो ये हमारे पास पेज फ्लाई है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। इसके बारे में मज़ीद आप यहाँ से भी जान सकते हैं। ओके, तो इसको सिंपल इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल होने के बाद इसका अपना इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा। हमारे पास जो भी पेजेस बने हुए होंगे वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, पब्लिशिंग वन स्लॉट अवेलेबल। बेसिकली इसके फ्री प्लान के अंदर आप जस्ट एक ही पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ पेज फ्लाई ऐप फॉर Shopify प्राइजिंग, इसके डिफरेंट प्राइजिंग प्लान्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन अपने स्टोर का बनाना है। $29 पर मंथ, $44 पर मंथ, तो इस तरह से इसके प्लान्स हैं। लेकिन अभी हम लर्निंग पर्पज़ के लिए फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ आप एक पेज पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं पेजेस के ऊपर और यहाँ पर देखें डिफरेंट पेजेस हैं, होम पेज, थैंक यू पेज, ये सारे पेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर पेज बनाएंगे। इसके अंदर प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक पेज, लेकिन मैं अभी यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है। देखें कितने ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं इसको यूज़ कर लूं। सेलेक्ट अ टेम्पलेट। अभी राइट नाउ जो हमारा पेज है, हमारा स्टोर है, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, सारी चीज़ें उस तरह से हैं क्योंकि फ्री का थीम था हमारे पास। लेकिन अब पेज फ्लाई से हमने ये पेज एडिट किया और इसके अंदर हम जो भी ऐड करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। ये भी सिंपली मैं इसको चेंज करना चाहूँ, एवरी मोमेंट विद योर फैमिली, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। स्वीट मोमेंट्स, स्वीट फैमिली, लाइक दैट, कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। इस तरह से आप विजुअली इनको एडिट कर सकते हैं। अब ये तो बेसिकली चीज़ होंगी, कस्टमाइजेशन में भी मैंने आपको इनको बताया था कि किस तरह से जिस सिंपल आप क्लिक करोगे और उसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी होंगी वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस पेज फ्लाई को यूज़ करते हो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक और आइटम ऐड करना है इसके अंडर, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से हमें जो चीज़ें भी चाहिए क्विकली हमें यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स सपोज मुझे इस तरह का एक लेआउट ऐड करना है, तो मैं इस तरह का लेआउट
क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा और जहाँ पे भी मुझे ऐड करना होगा वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने इसी के अंदर ये ऐड करना था, इसके अंदर अब मुझे कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आ गया मैं और एलिमेंट ये है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये पूरा एलिमेंट है और इस एलिमेंट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होंगे, आप एक कॉलम भी रख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे और यहाँ पे एड योर थर्ड पार्टी एलिमेंट्स, आई डोंट नो वाई शॉप एड शॉपिफाई एलिमेंट्स, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास देखें हर चीज अवेलेबल है, जो कुछ भी हम यहाँ से ऐड करना चाहें वो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, एक मुझे चाहिए प्रोडक्ट मेटाफिल, प्रोडक्ट क्वांटिटी, या यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सर्च फॉर्म चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ सर्च फॉर्म पे आया और यहाँ पे देखें डिफरेंट सर्च फॉर्म है, इनको मैं उठा के कुछ इस तरह से ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सर्च फॉर्म ऐड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कस्टमर फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, उसको किस तरह से आप शो करवाना चाह रहे हैं, किस डिज़ाइन के अंदर, देखें यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस मौजूद हैं। प्रोडक्ट डिटेल को आप किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट वेंडर, बेस्ट प्राइसेस, देखें इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सोर्स दूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट की जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, देखें उसकी प्राइस ऐड हो गई है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पेज फ्लाई है जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। और यहाँ पे देखें जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सेम उसी तरह का कुछ जो कस्टमाइज़र के अंदर हमने देखा था उस तरह का कुछ जो है हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है यहाँ पे, सेम वही लेआउट नज़र आ रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे एलिमेंट्स, दरमियान में हमारा डिज़ाइन और इस जगह पे हमारे जो है वो उसकी सेटिंग्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ इसको मैं शो आइकन करना चाहता हूँ, ठीक है, वो देखें आइकन नज़र आ गया। उस आइकन को मैं मज़ीद डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, कॉल टू एक्शन, पॉपअप, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल हो डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, लेकिन मोबाइल के अंदर विजिबल ना हो, तो मैं इसको इस तरह से हाइड कर दूँगा, मोबाइल के अंदर ये हाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं कि लैपटॉप के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से नज़र आए, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से नज़र आए, मतलब ये पहले नज़र आए और ये बाद में नज़र आए। अब आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है, और इसको टाइटल दे दें, लेट्स सपोज न्यू होम पेज, इसको मैंने सेव कर दिया, ओके गॉट इट, और ये सेव हो रहा है सिंपली। अब मैं इसको अगर व्यू करता हूँ, इसको ज़रा सेव हो जाने दें,
तो आई डोंट नो ये क्यों इतना टाइम ले रहा है सेव होने में, तो हम इसको अभी यहीं पे छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से ये पेज फ्लाई काम करता है। जब आप यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे और वापस यहाँ पे आएंगे अपने पेजेस के अंदर, थीम के अंदर, पेजेस के अंदर, तो वो पेज आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। लेकिन अभी क्योंकि वो सेव ही नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो वाई, कोई ग्लिच होगा, तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। और इसको फिर आप नेविगेशन के अंदर जाके जहाँ पे भी शो करवाना चाहें शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि पेज फ्लाई पेज बिल्डर क्या है और किस तरह से यूज़ हो सकता है। मोस्टली जो लोग हैं वो इसी को यूज़ करते हैं हर तरह का स्टोर डिज़ाइन करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर जो है वो ऐप है कस्टम स्टोर डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी तरह के स्टोर डिज़ाइन करने के लिए। नॉर्मली ये होता है कि थीम्स के अंदर प्री बिल्ट डिज़ाइन होते हैं, उन्हीं के आपको उनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी पड़ती है, लेकिन इसके ज़रिए आप किसी भी तरह का कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपने स्टोर के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट फ्री प्लान के अंदर सिर्फ आपको एक पेज डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।